नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। प्रतापगढ़ सिटी पैलेस में सेकुलर मोर्चा की कार्यकर्ता बैठक हुई संपन्न, जिसमें पहुंचे पूर्व मंत्री व सेकुलर मोर्चा के वर्तमान इलाहाबाद मंडल प्रभारी श्री प्रकाश राय ने मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहा कि शिवपाल यादव को सत्ता में आने के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है, इसलिए हर कार्यकर्ता को कमर कसकर तैयार हो जाना है, क्षेत्र में निकलकर पार्टी का प्रचार प्रसार करना है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि एक भाई ने अपने भाई को श्री राम समझकर उनके आशीर्वाद से पार्टी को मजबूत करने का काम करा, जबकि पुत्र ने पिता का सरेआम अपमान कर प्रदेश की सत्ता गंवा दी। पत्रकारों के सवाल की क्या समाजवादी पार्टी और सेकुलर मोर्चा एक होकर सरकार बनाएगी, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये पार्टी के मुखिया तय करेंगे, पर पार्टी के सहयोग के बिना कोई पार्टी सरकार इस बार नहीं बना पाएगी। वहीं इस मौके पर शिवपाल यादव के करीबी विनोद पांडे, प्रदेश सचिव अजय जी, संबंधित जिला अध्यक्ष पीसी यादव, प्रदीप यादव, राम राज यादव, जंग बहादुर, काशीराम आदि मौजूद रहे। माननीय शिवपाल जी के नेतृत्व में जो सेकुलर मोर्चा चल रहा है, आज प्रथम बैठक प्रतापगढ़ में, और उसमें आप सभी सम्मिलित होने आए। हम आपको बधाई देते हैं कि जिस सहनशीलता से है उसकी लड़ाई के लिए मुलायम सिंह जी बेटे के साथ है या भाई के साथ है। मुलायम सिंह जी भाई के प्रति आशीर्वाद चल रहा है, बेटे के प्रति आशीर्वाद चल रहा है। अभी लड़ते हैं, अभी कुल मिला करके अभी उनका कोई एक तरफा निर्णय नहीं है, आशीर्वाद है शिवपाल जी के साथ। आपकी पार्टी क्या किसी गठबंधन में शामिल होगी? हाँ, गैर साम्प्रदायिक गठबंधन जो मोर्चा बनेगा उसमें यदि हमारे सेकुलर मोर्चा को आमंत्रण मिलता है निश्चित रूप से हम उस गैर साम्प्रदायिक समूह के साथ। अभी तक जो महागठबंधन हमारे साथ में सर्कुलर मोर्चा के प्रदेश सचिव अजय जी हैं, आइए हम जानते हैं क्या है मामला आज पूरा। सर, हमारे बताइए, हम जो है कि सर्कुलर मोर्चा पार्टी बनी है, क्या भाजपा के साथ विलय भी हो सकती है कि नहीं? जो हमारी समाजवादी सर्कुलर मोर्चा बनी हुई पार्टी, बहुत लोगों ने बोला कि हमारी जो पार्टी है भाजपा से गठबंधन करने जा रही है, तो जो कह रहे हैं बहुत ही गलत है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलना चाहते हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता नहीं है, हम लोग पार्टी से नहीं रहेंगे। हम अपना अगर अपनी पार्टी से अगर मिलना चाहती है तो हम लोग उनसे गठबंधन करेंगे, लेकिन जनता भारतीय जो जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, मैं उन लोगों से नहीं मिलना।